ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? राष्ट्रीय मरुद्यान, रणथंबोर बाघ परियोजना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चंबल घड़ियाल। दोस्तों यूनेस्को की लिस्ट के अंदर कौन कौन शामिल है आप सबको पता होगा, उसी की चर्चा कर लेते हैं। चलिए भाई, ये रहे सारे के सारे जो वर्तमान में यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। चलो भाई, सबसे पहले केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य 1985 में शामिल किया गया यूनेस्को में। जंतर मंतर 2010 में शामिल किया गया यूनेस्को में। और छह पहाड़ी किले शामिल किए गए 2013 में। आमेर का किला, कौन कौन से किले? आमेर का किला जयपुर, गागरौन का किला झालावाड़, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद, रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में, जैसलमेर का किला जैसलमेर में। ये छह किले 2013 में। जयपुर परकोटा कब शामिल हुआ? दोस्तों जयपुर परकोटा शामिल हुआ 2019 में। तो ये राजस्थान की वो धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल है। इसके अलावा एक तकड़ी बात मैंने लिख दी है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में राजस्थान का कालबेलिया नृत्य भी शामिल है 2010 में। यह क्वेश्चन भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था कि कालबेलिया के बारे में यह पूछा कि राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल है। तो याद रखें कालबेलिया 2010, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यह सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों, अब यूनेस्को में एक चीज और बता देता हूं, यूनेस्को में भारत की टोटल 38 विरासत शामिल है। यह भी आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है यह भी पूछ ले। भारत में, भारत की कितनी? 38 विरासत है जो यूनेस्को में शामिल है। इसमें से सांस्कृतिक यदि पूछे, कल्चरल हेरिटेज पूछे तो वो है 30, प्राकृतिक पूछे यानी नेचुरल हेरिटेज पूछे तो आप बताएंगे 7, और मिश्रित पूछे, क्या पूछे? मिश्रित पूछे तो 1। ये बात आप याद रखें। तो 30, 7, 37, 1, 38, ये यूनेस्को में भारत की विरासत, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं इस क्वेश्चन का।